फरवरी 2021 दिन शुक्रवार को रीवा बंद रहेगा। भारत समझने वाला वो खुद जीएसटी नहीं समझ पा रहा कि हमको टैक्स कैसे भरवाना है, तो हम लोग कैसे टैक्स भर सकते हैं। ये सरकार को सोचना पड़ेगा और गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में अगर ऐसा जीएसटी रहा तो जितने भी व्यापारी है वो अपना संगठन दुकान पूरा बंद करें। ये अभी एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ ये जीएसटी को सरल करें। जो रात में घंटा घड़ियाल द्वारा चालू किया था वो जीएसटी का हम समर्थन करते हैं, मगर ये तो जीएसटी अभी चालू हुआ है 1185 संशोधन साथ, उसके साथ व्यापारी कभी व्यापार नहीं कर सकता है, वो जेल नहीं जाना चाहता है, वो सरकार का टैक्स कलेक्ट करता है, सरकार को देता है। देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। शिल्पी प्लाजा आम तौर पर रीवा का सबसे बड़ा बाजार, आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी बंद कराता हुआ आदमी नहीं दिख रहा है, लेकिन एक भी दुकान यहाँ पर खुली हुई नहीं दिख रही है। इसका सीधा सा अर्थ कहा जा सकता है पूरे देश के साथ रीवा भी बंद। कैट के आह्वान पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रीवा में बंद कराने का निर्णय, बात केवल जीएसटी की। तो जीएसटी के बारे में यहाँ मैं तमाम लोगों से बात करूं, उसके पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सरकार ने पहले 17 अलग अलग टैक्स लिया करती थी, उन टैक्सों को एक करके सरकार ने जीएसटी लेना चालू किया। जीएसटी में पहले तो सरकार ने कहा था बड़ा आसान सा होगा, एक टैक्स फिक्स होगा, लेकिन 100 रुपये में अगर 15% टैक्स लगता है तो 15% जीएसटी देनी पड़ेगी। लेकिन इतने कड़े नियम बना दिए गए, इस तरीके से नियम बना दिए गए, व्यापारियों को तो छोड़िए, यहाँ पर जो सीए का काम कर रहे हैं उनके भी ये बात समझ में नहीं आ रही है ये जीएसटी है क्या। उसी को लेकर रीवा के व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया था। रीवा बंद पूर्णतः सफल कहा जा सकता है, जिस तरीके से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शायद आप खुद भी कहेंगे। बताइए किस तरीके से आप लोगों ने जो आह्वान किया था बंद है, आज पूरा रीवा बंद है, सभी व्यापारियों ने एक साथ सब बंद का आह्वान किया था और किसी को भी नहीं कहना पड़ा कि दुकानें बंद हों, अपने आप सभी ने शटर बंद करके रखा हुआ है। और जीएसटी को हम ये कहते बिल्कुल सरल तरीके से लिया जाए, ये इतना कठिन है कि अगर एक दिन भी लेट होता है तो पेनल्टी व्यापारी को लग जाती है। जीएसटी को सरल तरीके से लिया जाए, जीएसटी को व्यापारियों का समर्थन तो है ही, उसी के लिए आंदोलन था, लेकिन ट्रांसपोर्ट यूनियन, बस और ट्रक के पहिए भी आज थम गए हैं। हमारे साथ ट्रक यूनियन के, ट्रक ऑपरेटर संघ के लल्लन जी हैं। लल्लन जी ये बताइए आप लोगों ने क्यों समर्थन दिया? सरकार के नियमों का जीएसटी के भार जिस तरह से हम लोगों के डीजल के ऊपर जीएसटी पे लाने पर उन्होंने रोक लगा दी, और ट्रक मालिकों को जो माल लोड करने जाते हैं उसके बाद जो उसका ब्रोकर बैठा ट्रांसपोर्टर वो जीएसटी की जो योजनाओं के तहत हम लोगों से पैसा काटता है, वो भी एक भारीपन हम लोगों के ऊपर महसूस हुआ, जिससे पूरे देश का ट्रक ऑपरेटर जो है मंदी के कगार में खड़ा हो चुका है। जब देश में आह्वान हुआ कि कैट के द्वारा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, तो सभी संगठन के लोगों ने समर्थन किया कि हम इस टैक्स के विरोध में सब लोग एक साथ खड़े होंगे, और अगर इस पर मांग पूरी नहीं हुई तो ऑल इंडिया ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये भी तय किया है कि सभी मोटर मालिकों को 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जैसे वहां से पत्र आता है तो सभी ट्रक मालिक गाड़ियों की चाबी एक झोले में डाल के कलेक्टर रीवा को सौंप देंगे। शायद इतिहास, भारत के इतिहास में ये भी पहली बार होगा, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो भारत के इतिहास में पहली बार हुई, उनकी बातें हम बाद में करेंगे। आज ये जो अभी लल्लन जी ने कहा कि ट्रकों की चाबियां झोले में भर के रीवा के कलेक्टर को देंगे, अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। ये एक बड़ा संकेत है जीएसटी के समर्थन को व्यापारियों के लिए। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजेंद्र शर्मा जी हैं, रीवा के अध्यक्ष भी हैं, व्यापारियों के हित में लगातार जुड़े रहे, हम उन्हीं से जानने समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों बंद क्यों। देखिए अभी सरकार के द्वारा जीएसटी के जो नियम है टैक्स कलेक्शंस के, उसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए, इसके बाद जीएसटी व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया।
आप जानते हो छोटे से लेके बड़े व्यापार तक में हमारे यहाँ के व्यापारी संलिप्त हैं। हर व्यक्ति अपने यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट नौकरी पर नहीं रख सकता, लोग अपना काम स्वयं ही करते हैं। इस समय ऐसे प्रावधान जोड़ दिए गए हैं कि अगर छोटी सी गलती हो जाती है, अगर हमारा एक ज़ीरो गड़बड़ लिख जाता है, तो हम उसके खिलाफ़ अपील नहीं कर सकते, और अगर हमसे देने में थोड़ी देरी हो जाती तो जो अधिकारी है वो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ऐसे ना जाने कितने नए प्रावधान जोड़े गए हैं। हमारा जो कैट छोटे और मझौले व्यापारी की राष्ट्रव्यापी संस्था है, उसने इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रखा था। पहले सरकार से बात करने की कोशिश की गई, जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसके बाद कैट ने 26 तारीख को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया। रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जो रीवा का व्यापारियों का प्रमुख संगठन है, उसने अपने सभी अवयवी संगठन और साथियों के साथ मिलकर इस कैट के अभियान की मदद की और हमने उसको समर्थन दिया है। और आज आप देख रहे हो कि जिस तरीके से अभूतपूर्व तरीके से रीवा बंद है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे व्यापारियों ने इसे खुले मन से हमारा साथ दिया है, खुले मन से आपका साथ दिया है। जैसा कि एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी होता है, ट्रक यूनियन ने तो साफ तौर से कह दिया कि झोले में ट्रकों की चाबी भर के कलेक्टर को देंगे अगर बात नहीं मानी गई तो। व्यापारियों की तरफ से आप भी क्या कुछ नया कुछ करने जा रहे हैं, अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हम चूंकि इस आंदोलन में कैट के साथ हैं और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी कार्यकारिणी है वो बैठ के नया नीति निर्धारण करेगी और ये तय किया जाएगा कि इस लड़ाई को आगे किस तरीके से लड़ना है और कहाँ तक ले जाना है। पर अभी हम ये उम्मीद करते हैं बहुत आशावादी तरीके से कि सरकार इस पर संवेदनापूर्ण तरीके से विचार करेगी और व्यापारी की समस्या समझेगी। हम टैक्स देने के खिलाफ नहीं हैं, हम इसके पहले भी टैक्स देते आए हैं और आगे भी टैक्स देना चाहते हैं और देश की उन्नति में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। पर हमारी एक छोटी सी मांग है कि ये नियम को सरल किया जाए, हर आदमी आसानी से इसको कर सके, इतनी सुविधा प्रदान की जाए, GST को सरल कर दिया जाए, आसान। एक बहुत छोटी सी मांग है व्यापारियों की, जिसके लिए उनको पूरे देश के साथ रीवा को भी बंद करना पड़ा। ये जो आज आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके के दृश्य देख पा रहे हैं, ये केवल रीवा के नहीं है, ये आज पूरे देश के हैं। एक छोटी सी मांग, GST को सरल कर दिया जाए, लेकिन केंद्र की सरकार अब इस बात को मानती है या नहीं मानती, ये एक बड़ा सवाल है। इसका उत्तर हमें भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से मैं बड़ी बात आपको फिर से बता रहा हूँ, ट्रक यूनियन का झोले में भर के चाबी देना, साथ ही व्यापारी संघ के यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी का ये कहना कि कैट अब आगे जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं, माना जा सकता है अगर सरकार ने नहीं बात मानी तो। इस तरीके से व्यापारियों ने आज रीवा बंद किया है, भारत को बंद किया है, अगर यही दोबारा हुआ तो देश की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। हम आपको वो चीज़ें भी दिखाएंगे और ये भी दिखाने की आगे भविष्य में किस तरीके का सरकार का निर्णय था, उसके बाद व्यापारियों ने क्या कदम उठाए, हम सारी बातें आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।